बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर अक्सर सियासी चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल इस बार उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को मानता हूँ, लेकिन राम को नहीं मानता हूँ। मांझी के इस बयान पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। इस तरीके की बातें जहां एक दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाती है, वहीं आपका आपके काम के प्रति जिम्मेदारियों को हटता हुआ दिखाती है। भाई, आज की तारीख में आप राज्य सरकार का हिस्सा हैं, आपके सुपुत्र मंत्री हैं, आप अपनी कार्य बताइए ना। आपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए आपने क्या किया, आप ये बताइए ना। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जीतन राम मांझी जी की उम्र हो गई है, अब वो उम्र की दहलीज पे है, तो इसलिए बातें लड़खड़ाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम देश ही नहीं, दुनिया के लिए आदर्श, और उन पर यह बात कहना, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी के नाम में ही राम लगा हुआ है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब जब आदमी की उम्र इस दहलीज पे हो जाती है तो बातें लड़खड़ाती हैं, कुछ भी उनके जबान से निकल जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में कथा करते हुए थकती नहीं है, उन्हीं के अलावा पटरों पर दिखा रहे धार्मिक उन्माद और भाषाई आतंक से जुड़ा हुआ संस्कार भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तभी तो राम जी को जो लोग नकारते हैं उनका भी वो साथ लेते हैं। पटना से देशवा न्यूज के लिए राजीव श्रीवास्तव और रंजीत सम्राट की रिपोर्ट।